अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। एक तो एक छोटी सी अपडेट है मेरे पास जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि किसी को भी न्यू इंटरव्यू लेटर्स आए हैं तो मैं चाहती हूं कि वो आपके साथ शेयर कर दूं, चाहे वो फ्यू कैटेगरीज के ही क्यों ना हो। अपनी पोस्ट पे भी मैं यूट्यूब की वो चीज़ शेयर करती हूँ ताकि रिटर्न में भी आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। F4 की कैटेगरी जो कि यूजुअली बहुत टाइम लेती हैं, 15 से 17 साल लेती हैं, उनके जो है वो हमें डिफरेंट ग्रुप्स पे दिख रहा है कि लोग पोस्ट कर रहे हैं। F4 कैटेगरी में इस्लामाबाद एम्बेसी से DQ था जनवरी 28, 2020 का DQ था। उनको इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा February 16, 2023। तो F4 की कैटेगरी में मुझे इस पे प्रायोरिटी डेट नहीं मिली थी, बस DQ की इन्फॉर्मेशन थी जिसने शेयर की थी कि DQ जनवरी 28 था 2020 और इंटरव्यू होगा February 16, 2023। F2A कैटेगरी के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि F2A से बहुत सारे लोगों का केस इन द प्रोसेस जब वो ग्रीन कार्ड के थ्रू अप्लाई करते हैं यानी F2A होता है तो वो चेंज हो जाता है, उनकी सिटीजनशिप हो जाती है। तो जो लोग जिनका F2A से ट्रांसफ़र हो जाता है CR1 IR1 का केस, तो उनका जो है वो जाहिर है प्रोसेस फिर तेज़ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सिटीजनशिप के जो टाइमिंग्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कार्ड के टाइमिंग। तो मुझे भी बहुत सारी जो पोस्ट दिखती हैं जो लोग शेयर करते हैं कि हमें इंटरव्यू लेटर्स आ रहे हैं, वो मेजॉरिटी वो होते हैं जिनके केसेस F2A से CR1 IR1 पे चेंज हो जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान, इसी जर्नी के दौरान। लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी ने शेयर किया था कि उनका इंटरव्यू लेटर आया है, ये सिंपल F2A का केस है जो कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। DQ है जनवरी 31, 2020 का DQ है और इंटरव्यू जो है वो उनका कंडक्ट किया जाएगा February 22, 2023, यानी इस साल अगले महीने उनका DQ कंडक्ट किया जाएगा, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा February 22, 2023। अच्छा, एवरी 2-3 वीक्स जो होता है वो अपडेट्स आती रहती हैं, न्यू इंटरव्यू लेटर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं, कभी किसी मन नहीं भी किए जाते। तो इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास अपडेट होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक बात मुझे स्पेसिफिकली कहनी थी कि कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ढाका एम्बेसी से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो उसे शेयर करें, या F3 वीज़ा पाकिस्तान से रिलेटेड कोई अपडेट हो वो शेयर करें। तो मैं कॉन्स्टेंटली इसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ, मुझे जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी ढाका एम्बेसी में नए इंटरव्यू लेटर से रिलेटेड और F3 वीज़ा पाकिस्तान से रिलेटेड, तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे अपडेट्स आती जाती हैं मैं यहाँ पर उन्हें शेयर करती जाती हूँ। कुछ चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही स्लो अपडेट्स आ रही हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमें कुछ दिन इसके साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो। अल्लाह हाफिज़।